ये पक्षी आकाश में काफी खूबसूरत लग रहे हैं, जो जानते हैं जंगल के हर उस रास्ते के बारे में, जिन रास्तों का पता एक साधारण इंसान गूगल मैप से भी नहीं लगा सकता। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के जंगल में पाए जाने वाले विशाल मकाऊ पैरट के बारे में, जो हर साल कई किलोमीटर का फासला तय करके इन जंगलों में आते हैं। यह जंगल स्थित है मनु नेशनल पार्क के भीतर। विशाल नदियों व घने वनों से ढका है मनु नेशनल पार्क। 1.5 मिलियन हेक्टेयर के इस विशाल पार्क में समुद्र तल से 150 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां व जीव जंतुओं की प्रजातियां। मनु नेशनल पार्क का आधा हिस्सा कवर है हरे भरे पेड़ों से, और इस हरियाली का राज है मनु नेशनल पार्क की मनु नदी। मनु नदी इस नेशनल पार्क को जीवन देती है, और इसी नदी के कारण ये पार्क ऊर्जा से पूर्ण रहता है। ये जंगल जानवरों और पौधों की प्रजातियों की एक बेजोड़ किस्मों का घर है, जहां अभी तक पक्षियों की लगभग 850 प्रजातियों की पहचान की गई है। जीव जंतुओं की विभिन्न किस्मों के कारण यह जैव विविधता का मुख्य केंद्र है। मनु नेशनल पार्क अभी भी अनछुआ है सड़क निर्माण प्रक्रिया व मानवीय प्रभावों से। पार्क की संरचना और वाटर सेट के कारण इस जगह पर विकास करना एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, और यही समस्या इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को मानव विकास की भेंट से बचा सकती है। दुनिया के सबसे बड़े मकाऊ पैरट्स में से एक है ब्लूड मकाऊ पैरट्स, जो सर से पूंछ तक 100 सेंटीमीटर के होते हैं। इनको हाई सिंथ मकाऊ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूड मकाऊ पैरट 4 से 5 साल तक अकेले ही रहते हैं, और 5 साल तक ये अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। इन तोतों के 4 से 5 साल पूरे होते ही ये इतने मैच्योर हो जाते हैं कि ये निकल पड़ते हैं अपने साथी की खोज में। ये पैरट्स 3 साल में एक ही बार अंडे देते हैं। 2 साल तक इन्हें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। इन तोतों का पसंदीदा खाना है ताड़ के मेवे। ये तोते ताड़ के पेड़ों में से मीठे फलों को खाते हैं। वैसे ब्लूड मकाऊ पैरट्स ब्राजील में आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी खतरे की घंटी लटकी हुई है। ये पैरट्स कुछ ही एरिया में बचे हुए हैं। इन मकाऊ पैरट की आंखों में येलो कलर का सर्कल होता है, और चोंच के नीचे हिस्से में येलो लाइन होती है। ये तोते ब्लू कलर के होने की वजह से अन्य मकाऊ पैरट से बिल्कुल अलग होते हैं। इस समय पेड़ों में फल पूरी तरह से पक चुके हैं, और ब्लूड मकाऊ पैरट्स इस दावत को यूं ही अपने हाथों से नहीं गवा सकते। ब्राजील में अखरोट नट और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है। जो फ्रूट्स पेड़ से नीचे गिर जाते हैं वो भी बर्बाद नहीं होते हैं। ब्लूड मकाऊ पैरट अपनी मजबूत चोंच की मदद से ड्राई फ्रूट्स को तोड़कर खाने का मजा ले रहे हैं। लेकिन हर मकाऊ पैरट एक जैसे नहीं होते हैं। ये है स्कारलेट मकाऊ पैरट। स्कारलेट मकाऊ पैरट्स ब्लू मकाऊ पैरट से बिल्कुल अलग होते हैं, और इनके कलर भी एक दूसरे से अलग होते हैं। स्कारलेट मकाऊ पैरट ब्लूड मकाऊ पैरट से आकार में थोड़े छोटे होते हैं। स्कारलेट मकाऊ पैरट लगभग 34 से 38 इंच के होते हैं। वैसे तो स्कारलेट मकाऊ पैरट दक्षिण अमेरिका के जंगल में पाए जाते हैं। मकाऊ पैरट 15 से 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। स्कारलेट मकाऊ पैरट के उड़ान का एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ भोजन की तलाश। जंगल में हर जानवर ऐसे स्थान की तलाश करता है जहां
उसे पर्याप्त भोजन मिल सके। हालांकि इन तोतों की भोजन सूची में मुख्यतः फल व कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर यूं कहें कि ये पक्षी सर्वाहारी होते हैं। और दक्षिण अमेरिका के इन वर्षा वनों के जंगलों में भोजन की कोई कमी नहीं होती है। अमेज़न के जंगल का निचला हिस्सा ढका है विशालकाय पेड़ों से, जहां सूर्य की किरण मुश्किल से जमीन को छुपाती है। और जमीन का ये हिस्सा बसेरा है कई छोटे जीवों का। जंगल में हर जीव जंतु माहिर है, या तो शिकार के रूप में या शिकारी के रूप में। जानवरों की ये जंग इस जंगल को सदैव स्वस्थ व हरा भरा रखती है, और ये संतुलन इस जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखता है। हालांकि मकाओ पैरट के बड़े बड़े समूह ही यहाँ भोजन की तलाश में नहीं आए हैं। इनके साथ अन्य पैरट्स की प्रजातियाँ भी आई हैं, जिनमें कुछ छोटे आकार के तोते भी शामिल हैं। वैसे तो जंगल की हर चीज की नॉलेज हर जीव को भली भांति होता है, लेकिन मकाओ पैरट्स इस हुनर में कुछ ज्यादा ही शामिल हैं। इस समय ये जंगल सिर्फ इनकी चीख चिल्लाहट से ही गूंज रहा है। मकाओ पैरट्स सबसे अधिक शोर करके इस जंगल को अपनी मौजूदगी का संकेत देते हैं। इन तोतों का वजन लगभग 2 किलोग्राम तक होता है, और इनकी चोंच का हिस्सा इतना कठोर होता है कि यह नारियल जैसे कठोर फल की भारी परत एक बार में ही तोड़ सकते हैं। तोतों की लगभग 370 प्रजातियां होती हैं, और इन 370 प्रजातियों में से सिर्फ मकाओ पैरट्स ही सबसे बड़े आकार के होते हैं। मकाओ पैरट्स सामाजिक होते हैं और लगभग 30 सदस्यों वाले झुंड में रहकर एक समूह बनाते हैं। यह मकाओ अपने जोड़े की तलाश में है, और शायद इसको एक साथी भी मिल गया है, लेकिन अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ है। इसको थोड़ी और मेहनत करनी होगी ताकि यह नर इस मादा को पूरी जिंदगी अपना साथी बना सके। मकाओ पैरट्स का जीवन काल 70 से 80 वर्ष तक होता है, यानी साधारण मनुष्य के समान 70 से 80 वर्ष तक ये जीवित रह सकते हैं। अगर मनुष्य इन्हें पालना चाहे तो यह मनुष्य के पूरे जीवन काल तक उनके साथ रह सकते हैं। मादा मकाओ पैरट साल में 2 से 4 अंडे ही देती है, और अंडों को 15 दिनों तक सेका जाता है। जब मादा अंडों को सेक रही होती है, तब नर भोजन का प्रबंध करता है और मादा को भी भोजन की सुविधा प्राप्त करवाता है। 105 दिन के होते ही बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं और 1 साल तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। मकाओ पैरट्स का पेट भरते ही ये निकल जाते हैं ऐसे स्थान की खोज के लिए जहां इनको विटामिन डी से भरपूर मिट्टी प्राप्त हो सके। इनका यह व्यवहार थोड़ा अजीब है, लेकिन इनके बड़े बड़े झुंड आ पहुंचे हैं नदी के इस किनारे पर। लेकिन यहां पर भी मकाओ पैरट्स अकेले नहीं आए हैं। यहां पर भी छोटे तोतों की प्रजातियां मकाओ पैरट के साथ आ पहुंची हैं। यह मिट्टी इनके लिए सोना है। ऐसा माना जाता है कि जब ये तोते फलों के साथ साथ कुछ जहरीले फलों को भी खा लेते हैं, तब ये इस मिट्टी को खाकर जहर के असर को खत्म कर देते हैं। ये लाल मिट्टी इन तोतों की पाचन शक्ति को मजबूत कर देती है, और ये इस मिट्टी को बड़े ही चाव से खाते हैं। फिलहाल तो ये जंगल व्यस्त है इनकी चीख चिल्लाहट से। जैसे ही ये स्थान भोजन की कमी से जूझ रहा होगा या पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा, तब ये पक्षी इस स्थान को छोड़कर ऐसी जगह चले जाएंगे। वैसे ही मकाओ पैरट के कलर्स का पैटर्न एक दूसरे से अलग होता है। मकाओ पैरट कई रंगों का मिक्सर होता है। इनके शरीर में दिखाई देने वाले विभिन्न रंग इनको और अधिक सुंदर बनाते हैं। ये मोर के समान ही सबसे खूबसूरत पक्षी है, और सभी पक्षी प्रजातियों में से मकाओ पैरट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपना भोजन सीधा मुंह से नहीं उठाते हैं, बल्कि
अपने पैरों का प्रयोग करके किसी भी खाने की वस्तु को अपने पांव से उठाते हैं। हालांकि मकाऊ पैरेट्स की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में उपस्थित पेड़ों में फल भी समय के साथ वृक्षों पर नहीं आते हैं, और मानव विकास के कारण इन मकाऊ पैरेट्स के प्रवास में भी काफी बाधाएं आ रही हैं। पूरी दुनिया में केवल मकाऊ पैरेट्स ही इंसानों की सुख सुविधा का शिकार नहीं बन रहे हैं, बल्कि कई जानवर अब तो इंसानों की विकास प्रक्रिया से लुप्त होने के कगार पर हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल व ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के जंगल एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहां पैरेट्स की कई खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि मकाऊ पैरेट्स का शिकार कौन सा जंगली जानवर करता है, तो हम आपको बता दें कि मकाऊ पैरेट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जंगल की वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट्स घात लगाकर इन तोतों का शिकार करती हैं। हालांकि मकाऊ पैरेट के झुंड में रहने के फायदे भी कई हैं, क्योंकि झुंड में कोई ना कोई मकाऊ पैरेट सक्रिय रहता है और बाकी आराम से भोजन या फिर एक दूसरे को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं। हालांकि मकाऊ पैरेट का जोड़ा बनते ही वो सीधा प्रजनन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने होती है सबसे बड़ी चुनौती घोंसला बनाना। हर पक्षी अपने लिए एक ऐसे उचित स्थान का चयन करते हैं जहां कोई भी शिकारी उनके घोंसले तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हाउलर मॉन्की सबसे बड़े दुश्मन हैं इन पैरट्स के, क्योंकि ये बंदर इन तोतों के अंडों को खा जाते हैं। मकाऊ पैरट्स का ये जोड़ा इन बंदरों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन बंदरों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भला इन बंदरों के सामने तोतों की क्या मजाल। अमेज़न के जंगल में हाउलर मॉन्की सबसे प्रसिद्ध बंदर है। वैसे तो हाउलर मॉन्की के अलावा यहाँ कुछ अनोखी प्रजातियों के बंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल मकाऊ पैरेट्स के इस जोड़े को इन बंदरों के इलाके से दूर कहीं अपना घोंसला बनाना होगा। मकाऊ पैरेट्स अमेज़न के सबसे बड़े पेड़ों का चुनाव करते हैं, जहां पेड़ों की ऊंचाई इतनी होती है कि शिकारी की नजर भी उनके घोंसले तक ना पहुंच पाए। ये अपना घोंसला पेड़ों के होल में बनाते हैं। घोंसला बनते ही इन तोतों के सामने होता है अपने बच्चों को पालने पोसने का सबसे बड़ा काम, और माता पिता की देख रेख में जल्दी जल्दी से मकाऊ बेबी बड़े हो जाते हैं। जंगल का जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अमेज़न का जंगल पूरी दुनिया को आधी ऑक्सीजन प्राप्त करवाता है। वैसे तो इन जीवों के शोर मचाने के अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई जीव अपने साथी को पुकारने के लिए चिल्लाता है, तो कोई अपने आसपास खतरा देखकर चिल्लाता है। जंगल का हर जीव सतर्क रहता है। हाउलर मॉन्की पेड़ों पर चढ़ने के साथ साथ अपनी पूंछ की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में माहिर होते हैं। वैसे तो बंदर बिरादरी में मुख्य नर ही होते हैं, और हाउलर मॉन्की के झुंड का नेतृत्व एक हट्टा कट्टा नर ही करता है। इनके झुंड में लगभग 25 से 30 तक के सदस्य मौजूद हो सकते हैं, और इस समूह में प्रत्येक हाउलर मॉन्की का अपना अपना ओहदा होता है। हाउलर मॉन्की भी एक दूसरे को सजाने संवारने का काम करते हैं, ताकि अपने आपसी संबंध और मजबूत हो सके। सही मायने में कहा जाए तो प्रत्येक जीव का व्यवहार एक दूसरे से काफी अलग होता है, और प्रकृति में प्रत्येक जीव का अपना अपना स्थान है। अमेज़न के जंगल में जो सबसे मशहूर है वह है अंजीर का। अमेज़न का वर्षावन नदी तालाब व हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है, और अमेज़न का जंगल ही पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्क में 200 से अधिक स्थान प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न वन, जिसकी सबसे बड़ी सीमा ब्राजील के बाद पेरू में स्थित है, अधिक बरसात होने के कारण
यहाँ के जीव इस जंगल के प्रवेश में खुद को ढालने में सफल हो गए हैं। हालांकि हर जीव और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो संघर्ष कर रही हैं अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाए रखने में। मौसम और चारों ओर की प्रकृति में निरंतर बदलाव के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है खुद को बदलते मौसम के अनुकूल ढालना, और जो इस काम में असफल हो गया तो उसका अस्तित्व इस पृथ्वी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। वैसे तो मनु नेशनल पार्क में सरीसृपों की 68 प्रजातियां पाई जाती हैं और उभयचरों की 77 प्रजातियां मौजूद हैं। सूक्ष्म जीवों में तितलियों की 1300 से अधिक प्रजातियां व प्राइमेट्स की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ का औसत तापमान दिन के समय 35 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे ही रात आनी होती है तो ये तापमान धीरे धीरे करके 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षावन होने के कारण साल के किसी भी समय यहाँ वर्षा का होना मामूली बात है। यहाँ बरसात का कोई समय नहीं होता है, इसीलिए